हाँ जी, तो क्या हाल है सब लोगों के। तो आज का जो मुद्दा है वो थोड़ा सा इसलिए मैं डिस्कस करना चाहता हूँ आप लोगों के साथ में, क्योंकि घर में गाड़ी लेने का प्लान हो रहा है अभी। तो घर में गाड़ी लेने का प्लान हो रहा है और बजट 8-9 लाख के ऊपर नहीं जा रहा है, ठीक है। तो दिवाली पे लेने वाले थे पहले तो, लेकिन फिर दिवाली पे कुछ मतलब ऐसे ही नहीं ली क्योंकि कुछ माइंड में था। तो आज उसी गाड़ी के बारे में बात करने वाले हैं, विटारा ब्रेजा के पेट्रोल मॉडल के बारे में। पहले भी हम बात कर चुके हैं इस बारे में, लेकिन कुछ नई चीजें निकल के आई है उनको लेके आज हम इस वीडियो में उसकी बात करेंगे। और हम लोग भी वेट कर रहे हैं कि ब्रेजा का पेट्रोल वेरिएंट आ जाए तो घर में के लिए वो गाड़ी देखी जा सकती है। तो उसके बाद ही फिर फाइनल डिसीजन होगा। तो अभी तो गाड़ी आ नहीं रही है, जैसे कि आप लोग सुनी रहे होंगे, टेस्ट वगैरह करके पाए जा रहे हैं, लेकिन अभी गाड़ी मार्केट में आ नहीं रही है। गाड़ी आने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, 2-3 महीने, तो 4 महीने भी लग सकते हैं। तो फरवरी मार्च के आसपास गाड़ी लॉन्च होगी। तो ये इन्फॉर्मेशन मैं आपको पहले ही बता देता हूँ, ये आप लोगों ने काफ़ी जगह देख ली होगी। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मतलब रेयरली आप लोगों ने कहीं पर पड़ी होगी, तो वो मैं चीज़ें यहाँ पे इकट्ठी करके लाया हूँ। तो सबसे पहली जो बड़ी बात है जो कि यूनिक है वो ये है कि विटारा जो ब्रेजा है, आप जानते हैं जैसे कि मारुति सुजुकी का और टोयोटा का लिंकअप हुआ था, तो एक तो टोयोटा ब्रेजा बनने वाली है ये, ठीक है। उसके बाद में दूसरा जो खबर निकल के आ रही है वो ये है कि मारुति इसको नेक्सा में भी बेचेगी। पहले एरेना में बिकती थी, है दो डीलरशिप से मारुति की, नेक्सा और एरेना। तो पहले एरेना में बिकती थी, अब ये हल्के फुल्के मॉडिफिकेशंस करके, जैसे कि इन्होंने किया है एटिगा में, किया है एटिगा को, एटिगा मतलब XL6 बनाया है, अभी वेगनार का चल रहा था XL5। तो ऐसे करके ही मारुति इसको, विटारा ब्रेजा को भी नेक्सा में भेजा जाएगा। और मारुति का प्लान ऐसा है, उनके जो एग्जीक्यूटिव थे उनके स्टेटमेंट के हिसाब से, कि देखो एक गाड़ी को बनाने में, नया मॉडल विकसित करने में, जो मान लो पूरी पूरी नई विटारा ब्रेजा बनानी है, तो उसको बनाने में लगभग लगभग 1,000 करोड़ से लगा के 1,100 करोड़ रुपए तक का इन्वेस्टमेंट हो जाता है एक प्रोडक्ट को बनाने में। जबकि ऐसे रीबेजिंग करने में या फिर किसी पार्टनर के साथ मिलने जुलने में, जैसे कि टोयोटा के साथ ये मिले, तो जो नया प्रोडक्ट सामने निकल के आता है उसमें सारे मिला मिलो के भी 200 रुपए के, 200 करोड़ रुपए के ऊपर खर्च नहीं होता है। तो कंपनी को लगता है कि जिस हिसाब से आजकल ट्रेंड चला आ रहा है, ये डेली मतलब कुछ ना कुछ अपडेट चाहिए लोगों को, तो उस हिसाब से ये एक नया तरीका है कि एक ही प्रोडक्ट को दो वेरिएंट में थोड़ा बहुत अपडेट करके प्रस्तुत किया जाए कुछ टाइम इंटरवेल के उस पे। तो लोगों को एक तो इंटरेस्ट भी बना रहेगा, दूसरी बात से लंबी चौड़ी पकड़ भी हो जाएगी मार्केट में। तो ये एक नई खबर है। तो विटारा ब्रेजा है वो अभी फिलहाल तो जब लॉन्च होगी वो एरेना से लॉन्च होगी, और हो सकता है टोयोटा को कुछ गाड़ियां दी जाए, तो टोयोटा भी जैसे ग्लांजा दी गई थी बलेनो, तो वैसे बेची जाए। और जो मैं बात बता रहा हूँ विटारा ब्रेजा को नेक्सा में भेजने का जो प्रपोजल है वो 2021 में कहीं पे आपको देखने को मिल सकता है। तो आगे और बात कर लेते हैं कि हमारी विटारा ब्रेजा में क्या कुछ कंफर्म हो गया है जो कि आने वाला है। तो सबसे पहले लुक में बात करें तो बम्पर चेंज होने वाला है, आगे से डिजाइन कुछ अच्छी सी बनाई जाएगी ऐसा लग रहा है, और कुछ रेंडर्ड इमेज भी आई है, कुछ वेबसाइट्स ने बनाई है, तो वो आप यहाँ पे देख सकते हो कि काफी अट्रैक्टिव लग रही है अगर ऐसी आती है तो गाड़ी, और ऐसी नहीं आती है तो जैसी आती है वो तो हम देख ही लेंगे। और बात करें पहले इसमें जो पार्किंग, जो DRLs आती थी वो DRLs नहीं आती थी, पार्किंग लाइट्स आती थी, तो उनकी जगह प्रॉपर DRL आपको मिलने वाली है। उसके बाद में आपको LED मिल सकते हैं, जो प्रोजेक्टर हेडलाइट्स हैं वो HID की जगह आपको LED मिल सकते हैं। उसके बाद में और बात कर रहे हैं गाड़ी के बाहर के लुक में, तो डायमेंशंस में तो कुछ चेंज नहीं होने वाला है, बाकी हल्का फुल्का पीछे से लाइट वगैरह में चेंज किया जा सकता है। अंदर की बात करें तो वही जो इनका इंफोटेनमेंट सिस्टम है उसको बदला जाएगा, जो कि अभी इन्होंने अपडेट किया था, जो अभी गाड़ियां आ रही है उनमें वो वाला आएगा। और दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा। तो आगे बात करते हैं इंजन की, इंजन का बिल्कुल क्लियर हो चुका है कि 1.5 लीटर का K15 जो कि सीरीज इंजन है वो आपको यहाँ पे मिलने वाला है। 4 सिलेंडर इंजन है, नेचुरली एस्पिरेटेड है। बीच में 1 लीटर के जो टर्बो की बात आई थी उसको थोड़ा सा जो इनके एग्जीक्यूटिव हैं उन्होंने ऐसे इस तरह से नकारा है कि जो इंडिया में जो इंजन को लेके माइंड सेट है वो इस प्रकार है कि 1 लीटर बोल दिया और किसी ने 1.5 लीटर बोल दिया, तो 1.5 लीटर को बहुत ज्यादा समझते हैं, टर्बो वर्बो को कोई ध्यान नहीं देता है। तो 1 लीटर उनके दिमाग में छोटे इंजन की एक इमेज बनाता है, तो जो टर्बो इंजन है, छोटे इंजन है, उनको इंडियन कंज्यूमर उतना प्रेफरेंस नहीं दे रहे हैं, तो वो एक माइंड सेट के साथ नहीं खेलना चाहते, और सीधी सी बात है वो इसीलिए 1.5 लीटर का
पेट्रोल इंजन लाएंगे जो विटारा ब्रेजा है उसमें 1.5 लीटर का अगर इंजन लाते हैं पेट्रोल इंजन, तो इनको जो टैक्स में जो बेनिफिट्स मिलते थे कंपनियों को वो नहीं मिलेंगे, तो प्रोडक्ट की जो प्राइस है वो बढ़ने वाली है। लेकिन उन्होंने कहा है कि प्राइस को मद्देनजर रखते हुए काम किया जाएगा, तो हल्का फुल्का प्राइस इसकी वजह से 10-8 हजार रुपये ऊपर हो सकता है। तो ये इंजन से रिलेटेड बातें हो गई। उसके बाद हम बात करें यहाँ पे प्राइस की, तो प्राइस जो रहने वाली है अगर टक्कर देना है इनको वेन्यू को नेक्सोन को, तो इसकी प्राइस को लगभग मेरे हिसाब से 7.5 लाख के आसपास रखा जाएगा। तो उस हिसाब से जो मैं बात कर रहा था शुरू में आप लोगों से कि हम लोग भी गाड़ी लेने का प्लान कर रहे हैं, तो फिर ये गाड़ी अपने 9 लाख का नीचे का जो बजट है उसमें फिट हो जाएगी। तो वही अभी कंफ्यूजन की वजह से हम लोग रुके हुए हैं। मेरा तो सुजुकी के लेके उतना ज्यादा मतलब प्रेम नहीं है वैसे अब, लेकिन घर में है अभी तो है, बुजुर्ग लोगों की भी थोड़ी रेस्पेक्ट करनी चाहिए, है कि नहीं। तो बस यही था इस वीडियो में, आप क्या सोचते हो और इस विटारा ब्रेजा के बारे में तो कमेंट बॉक्स में नीचे लिख दो। तो बाकी यही था इस वीडियो में, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आएगा, पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, और डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम की आईडी वहाँ जाके मुझे फॉलो करके आपके क्वेश्चन कमेंट की हुई मेरे साथ मैसेज करके आप भेज सकते हैं, मेरे साथ डिस्कस कर सकते हैं। तो चलिए फिर, मस्त रहिए, खुश रहिए, जिंदाबाद रहिए, टेक केयर, बाय बाय।